उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक युवक ने एक जानी मानी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेज़न पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि उसने 40,000 का मोबाइल ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी उसे फ्रॉड की हुई। मामले में 7 दिनों की इंक्वायरी के बाद कंपनी ने डिलीवरी सही करने की बात कर अपना पल्ला झाड़ लिया है, जिसके बाद युवक ने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कनक गांव के निवासी युवक हरदीप सिंह ने थाने में दी शिकायत में बताया है कि उसने 24 अक्टूबर को अमेज़न पर एक मोबाइल ऑर्डर किया था, जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपये थी। जब कंपनी द्वारा डिलीवर किए गए प्रोडक्ट को उसने खोल कर देखा तो उसमें एक ड्रेस थी। मोबाइल की जगह पर ड्रेस पाकर जब उसने कंपनी से संपर्क साधा तो कंपनी ने जांच के नाम पर 7 दिन और लिए। अब 7 दिन के बाद कंपनी के अधिकारियों ने उसे अवगत कराया कि कंपनी की तरफ से सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं। युवक ने कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए जहानाबाद थाने में तहरीर दी है। युवक की तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि अमेज़न कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की तहरीर आई है, जाँच की जा रही है, जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। समय समय पर ऑनलाइन शॉपिंग करवाने वाली कंपनियों पर आरोप लगते रहते हैं, ऐसे में कंपनियों को भी अपनी छवि बरकरार रखने के लिए बेहतर कदम उठाने चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।